number of ways of arranging 8 identical books at 4 identical shelves where any number of shelves may remain is equal to 4 shelves है और उसमें हमें 8 books arrange करने हैं, लेकिन ये shelves different नहीं है, identical है और books भी different नहीं है, identical है। इसका meaning ये है कि बस हमें 8 identical books को 4 अलग अलग groups में divide करना है। कोई group empty भी हो सकता है, इसका मतलब अगर एक group empty है इसका मतलब क्या कि एक तरह से हमें 3 ही group में divide करना है। इसके अगर ऑप्शंस देखेंगे तो ये नंबर बहुत ज्यादा नहीं है, इससे जब भी इस टाइप का होता है कि थोड़े कम ऑप्शन कम नंबर होता है ऑप्शन में, बहुत बार तो इसमें तो कुछ मेथड नहीं होता है, मैन्युअली हर एक केस जो है वो काउंट करके देखना पड़ता है। तो इसको हम काउंट करेंगे, लेकिन काउंट ऐसे करना है कि कुछ केस जो है वो छूटना नहीं चाहिए, उसमें मिस्टेक होता है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि ठीक से कैटेगरी बना बना के हर एक केस जो है वो आइडेंटिफाई, तो हम ऐसे कैटेगरीज बना सकते हैं इसमें कि कोई भी शेल्व्स एम्प्टी भी हो सकता है। हम कैटेगरीज बनाएंगे कि एक केस जिसमें कोई भी एम्प्टी नहीं है, एक केस जिसमें एक शेल्व एम्प्टी है, एक केस जिसमें दो शेल्व एम्प्टी है, इसमें 3 एम्प्टी होंगे, 4 के 4 एम्प्टी तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि 8 बुक। तो 4 कैटेगरी हम ऐसे बना सकते हैं कि 0 एम्प्टी, इसका मतलब है कि एक भी शेल्फ इसमें एम्प्टी नहीं है। दूसरा कैटेगरी होगा 1 एम्प्टी, मतलब एक शेल्फ इसमें एम्प्टी है और 3 शेल्फ जो है वो भरे हैं। तीसरा कैटेगरी होगा एम्प्टी और फोर्थ कैटेगरी रखते हैं कि थ्री एम्प्टी है इसमें, मतलब एक ही शेल्फ में बुक्स है। अब हर एक कैटेगरी में हम काउंट करेंगे कि कितने केस पॉसिबल हैं। डायरेक्टली एक ही बार में सब काउंट करेंगे तो बहुत बार कुछ केसेस छूट जाते हैं, इसलिए कैटेगरी बना बना के। इससे क्या होता है कि अब छोटा क्वेश्चन हो जाएगा कि जैसे 0 एम्प्टी है, इसके केस हम काउंट करेंगे। अब चार बार हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन 4 का ऐड कर देंगे बाद में इनसे। एक तरह से हमने इस क्वेश्चन को 4 छोटे क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट छोटा क्वेश्चन हमारा ये है कि कितने तरह से हम अरेंज कर सकते हैं जिसमें 0 शेल्फ जो है वो एम्प्टी रहेंगे, मतलब सब भरना है हमें। मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स जो हम एक शेल्फ में रखेंगे वो होगा इस केस में, अभी आपको पता चलेगा थोड़ा सोच के, कि 5 होगा, क्योंकि एक भी एम्प्टी नहीं रखना है तो बाकी 3 में मिनिमम एक बुक तो रखना होगा। मैक्सिमम हम किसी शेल्फ में 5 बुक्स रख सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 5 से ज्यादा रखेंगे तो बाकी कोई एम्प्टी हो जाएगा। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे, मतलब इसमें भी वही काउंट जो है वो सिस्टमेटिकली करना होता है, तो ऐसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कुछ तो पैटर्न होना चाहिए, नहीं तो ऐसे रैंडमली लिखेंगे तो कुछ केसेस जो है वो लॉस्ट हो जाएंगे। हमने इसी तरह इसीलिए स्टार्ट किया कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स हो सकते हैं उस टाइप का केस। अब हम बुक्स को धीरे धीरे कम करेंगे, जैसे 5 का ये एक ही केस होगा, इसमें अरेंज नहीं करना है कि पहले में क्या दूसरे में क्या, ये सारे आइडेंटिकल शेल्व्स हैं। अब इससे 5 से छोटा नंबर जो है 4, तो किसी शेल्फ में 4 बुक्स होंगे, तो उसके केसेस हम बना सकते हैं। इसका जो एक बुक कम हुआ है वो दूसरे किसी शेल्फ में ऐड कर देंगे, तो किसी शेल्फ में जो है वो 2 बुक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से इसमें भी 2-1-1 लिखा है, 1-2-1, ऐसा कुछ नया केस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें अरेंज नहीं करना है, क्योंकि आइडेंटिकल शेल्व्स है, हमें बस डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। 4-2-1-1 इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, और तो कोई तरीका नहीं है, तो एक ही तरीका है जिसमें 4 बुक्स होंगे मैक्सिमम एक शेल्फ में। अब इससे थोड़ा कम देखेंगे कि एक शेल्फ में मैक्सिमम 3 बुक्स होंगे उस टाइप का केस, तो हम 4 को 3 बना सकते हैं, और इसका जो एक बुक कम हुआ है वो हम ऐड कर सकते हैं इस 2 में या फिर 1 में, दोनों में से किसी 1 में। अगर हम 2 में ऐड करेंगे तो ये केस नया क्रिएट हो जाएगा, या फिर अगर हम 1 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे इस टाइप का केस ऐड हो जाएगा। तो ये 2 केस, मतलब ये 2 ही पॉसिबल तरीके थे, ये हमें देखना है। 4 को जब हम डिक्रीज करेंगे तो या तो 2 को इंक्रीज करेंगे या तो 1 को इंक्रीज करेंगे, तो ये 2 ही केस न्यू जो है वो जनरेट होंगे। तो ये 2 ही केस होंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर जो है वो 3 होगा, नंबर ऑफ बुक्स इन 1 शेल्फ। तो क्योंकि 3 जो है वो 3 शेल्फ में तो हो नहीं सकते, टोटल तो 9 बुक्स हो जाएंगे। और अगर हम देखेंगे कि 3 से कम बुक्स, जैसे 2 बुक्स अगर मैक्सिमम है तो उसका केस, तो ये 3 को अगर कम करेंगे तो किसी में हमें ऐड करना होगा, 2 में ऐड नहीं करेंगे नहीं तो फिर से वही केस हो जाएगा, वो फिर से सेम केस रिपीट हो जाएगा, तो हमें इस 1 में ऐड करना होगा, तो वो केस होगा 2-2-2, मतलब 4 times 2, ये एक केस है। अब 2 को कम नहीं करेंगे नहीं तो फिर से कोई दूसरा 2 जो है वो 3 हो जाएगा, इस तरह का केस हो जाएगा फिर से। इसलिए अब ऑब्जर्व करेंगे ठीक से तो ये 5 ही केसेस होंगे इस कैटेगरी में, तो ये 5 केसेस है। इस तरह से हर एक कैटेगरी में हम देखेंगे। तो जैसे अभी दूसरे कैटेगरी का देखते हैं, जैसे 1 एम्प्टी, तो हम यहाँ पे 3 ही ग्रुप में डिवाइड करना है,
को इसमें पे मैक्सिमम से स्टार्ट करेंगे, तो इसमें मैक्सिमम हो सकता है 6, तो दो ग्रुप तो बाकी एम्प्टी नहीं होने चाहिए, तो वन वन बुक रखेंगे उसमें। फोर्थ शेल जो है वो एम्प्टी है, तो हम उसको काउंट ही नहीं कर रहे हैं अभी, बस तीन ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। अब 6 को जब हम कम करेंगे तो किसी वन में ऐड करेंगे तो इस टाइप का केस जनरेट हो जाएगा, तो किसी भी वन में ऐड करेंगे तो 5:1 इसी टाइप का केस जनरेट होगा। फिर 5 को अगर कम करके देखेंगे 4, तो एक बुक जो है या तो 3:2 में ऐड कर सकते हैं तो इस तरह का केस जनरेट होगा, या फिर अगर हम 1 में ऐड करेंगे होगा 4:2:2 इस तरह का केस जनरेट होगा। तो ये 4 के ये दो केसेस जनरेट होंगे। जब हम 4 को कम करेंगे तो जैसे ये इस केस को पहले देखते हैं, तो 4 को कम करेंगे 3 होगा, तो वो बुक जो है हम 3 में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि फिर से सेम केस जनरेट होगा, फिर वो बुक हम 1 में ऐड करेंगे, तो उससे क्या होगा 3:3:2 इस तरह का एक केस जनरेट होगा, एक ही पॉसिबल है इसमें। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जब हम 4 का 3 करेंगे और किसी 2 में ऐड करेंगे तब भी अगर देखेंगे तो कोई नया केस जनरेट नहीं हुआ, सेम ही केस जनरेट हुआ है, तो ऐसे ऑब्जर्व करके देखना होगा। तो इससे आगे कुछ जनरेट नहीं हो रहा है नया केस। जैसे इस 3 को अगर हम डिक्रीज करेंगे, तो अगर इस 3 में ऐड करेंगे तो फिर से 4 हो जाएगा, ऊपर का ही कोई केस जनरेट होगा, या फिर अगर हम इस 2 में ऐड करेंगे तो सेम ही केस जनरेट होगा वो, तो ये टोटल 5 केसेस है। इस तरह से अगर 2 एम्प्टी शेल्स का अगर हम देखेंगे तो इसमें दो ही कैटेगरी में डिवाइड कर, दो ही ग्रुप्स में डिवाइड करना है 8 बुक्स को, ये थोड़ा इजी केस हो गया। तो ये होगा मैक्सिमम 7 हो सकता है, 1 हो सकता है, फिर अब ये 6:2 हो सकता है, या फिर 5:3 हो सकता है, या फिर 4:4 हो सकता है। इस 4 को अगर हम कम करेंगे तो ये 3:5 हो जाएगा, जो केस पहले हो चुका है, इसको हमें अरेंज नहीं करना है, तो इसके बाद सारे केसेस रिपीट होंगे, तो ये 4 ही रहेंगे, तो ये 4 केसेस है। और 3 एम्प्टी मतलब बस एक ही शेल्फ भरा है, इसमें तो एक ही केस है कि जिसमें 8 के 8 बुक जो है वो एक ही शेल्फ में हो, तो ये एक केस है बस। तो टोटल केस अगर देखेंगे 5+5 10, 10+4 14+1 15, तो ये टोटल सबका एडिशन करेंगे तो 15 आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन। तो इसमें इस तरह से सिस्टमेटिकली सारे केसेस जो है वो काउंट करना है।